सो हेलो फ्रेंड्स, रवि मोटर गैरेज चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो आज मेरे पास एक होंडा सिवी हॉर्नेट बाइक आया है। इसमें आपका जो समस्या आई है इंजन में कट कट साउंड आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसका बिगिन खराब हो गया है। तो साउंड आपको चलिए दिखाता हूँ। तो साइन को दिखाओ, बाइक को स्टार्ट करो, साउंड को गौर से सुनिए आप। ठीक है, फर्स्ट गियर में जाके जब आप इसको बाइक को चलाओगे तो इसमें कट कट साउंड आ रहा है। इस तरह का साउंड आ रहा है, देखिए। बंद कर दो। तो आप लोग सुना इसका साउंड, कट कट साउंड आ रहा है इसमें फर्स्ट गियर में। जब आप बाइक स्पीड में चलाओगे तो सब ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी लॉन्ग में। जब फर्स्ट गियर, देखिए सेकंड गियर में जब डालोगे बाइक, तभी इसका जो साउंड कट 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 करके साउंड आ रहा है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, आप देखिए इसका सिलेंडर जो है, सिलेंडर ये भी नया सिलेंडर लगाया हुआ है। ओके, शोरूम में इसका काम किया गया है। तो हम लोग इसको पहले जो काम, फर्स्ट जो काम आपको चेक करना होगा, इसका हेड का जो चार बोल्ट है वो खोल के इसका टैपेट हम क्लियर चेक कर लेंगे, क्लियर है कि नहीं चेक कर लेंगे। ओके, उसके बाद क्या करना होगा आपको बताता हूँ। तो पहले यहाँ पे जो नट, ये चारों नट हम खोल लेंगे। तो दोस्तों, हमने इसका हेड का कैप खोलने के बाद इसका जो टैपेट हम देखा, उसका टैपेट सही था, टैपेट में कोई गड़बड़ी नहीं था। ओके, आप लोग देख सकते हैं टैपेट टाइट नहीं है, टैपेट सही है। ओके, तो मेन जो प्रॉब्लम मेरे को लग रहा है कि वाल्व के अंदर हो सकता है, तो इसलिए हम इसको टैंकी खोला और इस हेड को भी हम खोल लेंगे, खोल के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने इसका इंजन फिटिंग्स कर लिया, हेड को कम्प्लीट कर लिया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या था फ्रेंड्स, आपको बोलता हूँ। तो इसमें जो प्रॉब्लम था, आपका जो वाल्व का जो ग्राइंडिंग, वो ग्राइंडिंग अच्छी तरह से नहीं किया गया था, तो इसलिए इसमें जो लोड ज़्यादा पड़ रहा था। ओके, इसलिए इंजन में ऐसा साउंड आ रहा है। तो इसमें एक रुपये भी खर्चा नहीं आया है लेबर चार्ज के अलावा। तो अगर आपके बाइक में ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप बोलिए कि किसी पार्ट्स को चेंज ना करें, तो इसका किसी का प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सब कुछ ठीक है, सिर्फ वाल्व को अच्छी तरह से, जो वाल्व, दोनों वाल्व था इनलेट आउटलेट, वो वाल्व को अच्छी तरह से ग्राइंडिंग कर दिया और मैं लगा दिया, तो ठीक हो गया। तो चलिए अब इसका साउंड आपको सुना के दिखाता हूँ कि इसका साउंड ठीक हुआ कि नहीं हुआ है। तो बाइक को स्टार्ट करो एक बार, तो आप लोग देख पा रहे, सुन पा रहे इसका साउंड बिल्कुल पहले जैसे हो गए। ओके, तो बड़ा प्रॉब्लम इसमें नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि इंजन पूरा खोलना पड़ेगा, तो सिर्फ हेड खोल के ही, वाल्व ग्राइंडिंग करके ही इसमें काम हो गया। तो आशा करते वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।